बिलासपुर जिला में लोगों को कानून की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में घुमारवीं उपमंडल के लेहरी स्त्रेल पंचायत में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अक्षी शर्मा ने की। बिलासपुर जिला में लोगों को कानून की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में घुमारवीं उपमंडल के लहरी लेर पंचायत में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अक्षी शर्मा ने की। उन्होंने इस शिविर में शामिल होने वाले लोगों का स्वागत किया और विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कानून संबंधी विभिन्न जानकारियां प्रदान की। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा बिलासपुर जिला के कोने कोने तक लोगों को कानूनी सहायता की जानकारी प्रदान की जा रही है और लोगों को लगातार इस विषय में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा अपराध पीड़ितों की सहायता के लिए क्राइम विक्टिम स्कीम चलाई जा रही है, जिसका लोग लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिला में पिछले 10-12 वर्षों से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत लोगों को कानूनी सहायता संबंधी जानकारी प्रदान की जा रही है, जो कि कारगर साबित हो रही है। मैं यही समझती हूँ कि इस वक्त, क्योंकि हमारा ये जो मिशन है, शायद पिछले 10-12 साल से तो बहुत कम थे, तो हम जब पहुँचते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें ऐसे मिलता है कि यहाँ तो जी कोई जागरूकता नहीं है। हमको बहुत सारी चीज़ें पता भी होती हैं और कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको आइडिया होता है कि क्या हमने करना है। केसेस ऑलरेडी यहाँ से लिटिगेशन भी है, पर ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि छोटे मोटे मैटर्स हैं उनको वो पंचायत लेवल पे सेटल करते हैं। अभी हम यही लोगों तक कन्वे करना चाह रहे हैं। हम जानते समझते भी हैं, लोग भी हमें ये इन्फॉर्म करते हैं कि पंचायत में हमारा समझौता हो जाता है। ये लोगों के पास अभी ADR मैकेनिज्म का इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा नहीं है कि जो ये समझौता पंचायत से करा रहे हैं, जो कल को इन्फोर्सेबल पंचायत में नहीं हो पाता है, उसी समझौते के लिए अगर ये कोर्ट आए तो वो टेक्निकल प्रोसेस नहीं लिया जाएगा, वही समझौता एक कोर्ट के अवार्ड के रूप में उनको मिल जाएगा, जिसको कि ये एग्जीक्यूट करा। इसके अलावा एक विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम है जो बहुत बेनिफिशियल है, नई स्कीम है, और हम कोशिश करते हैं कि जिस भी कैंप में जाएं हम जरूर इसकी इन्फॉर्मेशन दें, जिसमें कि क्राइम्स के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए सरकारी फंड हैं, जिसमें कि उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए कॉम्पेंसेशन देने का प्रावधान है। इसमें या तो कोर्ट हमको रेफरेंस दे या जो पार्टी इंटरेस्टेड है, जिन्होंने FIR कराया है, वो FIR के साथ ही हमारे पास एप्लीकेशन दे सकते हैं। और जब से ये शिविर बिलासपुर में हमने लगाने शुरू किए हैं, तब से कॉम्पेंसेशन स्कीम के तहत एप्लीकेशन ज्यादा आने शुरू हुई है।